अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हफीज़ा किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेजिटेबल रोल। तो किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, चलिए देखते हैं। एक पाव दही ली हुई है, इसको हम देखिए डाल देंगे। और एक पाव चिकन है, इसे हम आधी चम्मच चाइनीज़ नमक और एक चम्मच के बराबर है कुटी हुई काली मिर्च। और एक चम्मच है नमक, एक चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये है सोया सॉस दो चम्मच, और चिली सॉस भी हम लेंगे दो चम्मच। बिहारी मसाला थोड़ा भी डालेंगे हम, यानी कि एक चम्मच के बराबर भर के। और ये है हरा मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च को सुखा के पाउडर फॉर्म में कर लिया है, एक चम्मच डालेंगे इसको। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके और चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब अच्छी तरह से गल जाएगा चिकन तो इसको हम मोटा मोटा रेशा कर लेंगे। और सब्ज़ियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, हरी प्याज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, उसको जिंजर कटिंग करके और बस ऐसे ही इसको धो के रख देना है, नितार लेना है। ये नितार लिया है मैंने। ये है मोज़रेला चीज़ जिसको कद्दूकश कर लिया है, अब चिकन में शामिल कर देंगे। और सब्ज़ियों को भी इसमें शामिल कर देंगे। और एक चम्मच हम डालेंगे चिकन टिक्का मसाला। ये सब्ज़ियों को इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे एक चम्मच है ये चिकन टिक्का मसाला शान का। इसको मिक्स अच्छी तरह से करके इसको रोल की पट्टियों में बांधते जाएंगे। इस तरह से हम सारे रोल इस तरह से बांध के और फ्राई कर लेंगे। तो ये रेसिपी ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। और ये तैयार हो चुके हैं चिकन वेजिटेबल रोल। अल्लाह हाफिज़।